हेलो फ्रेंड्स, खादुनगर बाइकर्स ग्रुप में आपका स्वागत है। आपसे मैंने लास्ट टाइम वादा किया था जब स्टट्स शिफ्टर का रिव्यू कर रहा था कि मैं अपना नेक्स्ट हेलमेट जो लिया है टूरिंग के लिए उसका भी रिव्यू लेकर आऊँगा। तो डेली रूटीन के लिए शिफ्टर अच्छा है और लॉन्ग ड्राइव पर भी उसको लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटर होगा कि अच्छा हेलमेट, टॉप स्पीड अगर है, लॉन्ग टूरिंग है तो अच्छा हेलमेट लेके जाना बेटर होता है। मुझे जो पसंद थे, दो हेलमेट पसंद थे, एक सोल का हेलमेट था और एक LS2 का था। दोनों में डाउट क्या था, सोल का मुझे पसंद था और भाई अच्छा लग रहा था, और LS2 का जो था वो मुझे ज़्यादा यूटिलिटी वाइज ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो शॉप पे मैं गया तो जो सोल का हेलमेट था वो ऑनलाइन 7200 का मिल रहा था और शॉप पे वो 78 का दे रहा था वो, और जो LS2 का था वो ऑनलाइन 5200 का था और ऑफलाइन 4500 का। और ये तो हो गए पैसे की बात इकोनॉमिकल, और दूसरा था स्पोर्ट्स कैमरा जो कि यहाँ पे शिफ्ट होता है। ये मेरा जो मैंने हेलमेट लिया है ये वो है LS2 का, FF538 है इसका नाम, और ऑनलाइन ये लगभग 5200 पड़ रहा था और ऑफलाइन ये लगभग जो है मुझे 4500 का पड़ गया। और सोच रहे कि अभी दो बार मैंने यूज किया है और न जाने कैसे इस पर ये स्क्रैच पड़ गए हैं और बहुत बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है कि मैं इतना सेव करके रखता हूँ उसके बाद ये ऐसा कुछ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसका तो काम ही है मुझे प्रोटेक्ट करना, बट तकलीफ देता है। और ये मेन पर्पज जो था मेरा बता रहा था कि ये फिट करना, इस पर ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। और सोल का क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी सॉफ्ट थी हेलमेट उस पर ये जो वेंट थे वो बहुत लूज थे, क्वालिटी वाइज मुझे सही नहीं लग रहा था पर्टिकुलरली उस हेलमेट का जो उसके पास अवेलेबल था वो। और दूसरा मुझे उसका जो कलर था मुझे प्योर ब्लैक चाहिए था और वो था नहीं उसके पास, इसलिए मैंने ये चूज़ किया मुझे। और वो ये फर्स्ट पहली नज़र में ही मुझे बहुत पसंद भी आ गया था, और ये बहुत लाइट वेट है, 1 kg 500 grams का है लगभग, ये तो हल्का हेलमेट है, ज़्यादा वेटेड भी नहीं है। और ये वाइजर है जो इसका, इस पर बता रहे हैं इसके अंदर से फॉग नहीं लगेगी, और ठंड के टाइम में जो नाक से हवा वगैरह निकलती है नोज से और तो उससे ये फॉग जम जाती है, उसके लिए भी यहाँ पर प्रॉपर दिया कि यहाँ से ये पास हो जाएगी नीचे को। और अगर टूर पे जाते हैं तो इसके लिए इसमें डर्ट वगैरह है नीचे नहीं जाए, तो इसके चिन कर्टन भी दिया हुआ है, ये रिमूवेबल है, ये भी रिमूवेबल है, अंदर का जितना कुशन है वो सब रिमूवेबल है। और एयर वेंट की जो है तो यहाँ पे एक एयर वेंट यहाँ पे दिया हुआ है, एयर वेंट कम है बट काफ़ी यूजफुल है, ज़्यादा एयर वेंट होने से कोई मतलब नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ज़्यादा एयर वेंट होंगे तो बरसात में भी बाइक चलाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि अंदर पानी जा सकता है ना, ये सोच के ही मैंने LS2 का ये लिया है क्योंकि इसमें कम एयर वेंट है और सही है। तो आपको मेरा हेलमेट कैसा लगेगा आप बताइएगा, और जैसा मैंने पहले कहा था कि हेलमेट और ग्लव्स पहनिए जरूर, और ये रेगुलर में हेलमेट और ग्लव्स रेगुलर में, और लॉन्ग टूर में जाते हैं तो पूरी गियर्स के साथ ही जाएं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करें और मेरी हेल्प करें, थैंक यू फ्रेंड्स। और जैसा कि एक चीज छूट गई ना, आपको मैंने पहन के नहीं दिखाया, ये पहन के ये गॉगल इस पे फिट आता है कि नहीं, तो ये पहन लिया ठीक है, क्योंकि ये येलो कलर का ये गॉगल होता है, नाइट राइड में काफी हेल्पफुल होता है, इसलिए मैंने ये इसको लिया है। वैसे गॉगल पहनने का मुझे कोई शौक नहीं है, और कैसा लगा ये मेरा हेलमेट, कमेंट करिए, लाइक करिए, थैंक यू।